नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू चंद्रा और सब कुछ बंद हो गया है, लेकिन इस टाइम मैं घर में बहुत सारा काम कर रही हूँ। एक्चुअली रियलाइज़ करती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हॉबीज़ जो मैं बहुत सालों से नहीं कर पा रही हूँ, वो करने का मुझे मौका मिल रहा है। सो जैसे खाना बनाना, मैंने बर्तन भी धोया है रिसेंटली। आई हैव बिन हेल्पिंग माई मदर एंड बिन वॉशिंग डिशेज, योगा कर रही हूँ, बहुत सारे डिफरेंट पैक्स ट्राई कर रही हूँ, आई एम रीडिंग, जो बहुत डिफिकल्ट था टाइम में, बिकॉज हम लोग इतने इंपेशेंट होते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं हमेशा, फ़ोन, व्हाट्सएप, मीटिंग, दौड़ भाग सब चलता रहता है, तो हम नहीं कर पाते हैं, तो वो भी कर रही हूँ। बहुत सारी मूवीज, सीरीज़, आई एम कैचिंग अप विथ ऑल ऑफ इट। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें मैं अभी कर रही हूँ। गाइस, लॉकडाउन के दो फायदे ये हैं, दो नहीं बहुत सारे फायदे हैं। वैसे तो फायदे हैं कि आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करिए, जो वो हमेशा क्रिप करते रहें, कंप्लेन करते रहें कि तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं होता। एक ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, स्पेशली पीपल से कि ओ मेरा स्किन इतना टैन हो गया है तो मुझे ध्यान नहीं रहता है, मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाता हूँ, दे पाती हूँ। सो रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, आपके पास बहुत वक्त है, योगा करिए, अपने आप को एक्सरसाइज कीजिए, क्रेव टू एजुकेट योर सेल्फ, आई थिंक उसके लिए वक्त चाहिए और ये रहा आपका वक्त। गाइज, आजकल तो कोई खांसता भी है तो एक टेंशन जैसी माहौल हो जाती है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि नॉर्मल खांसी भी आ सकती है, नॉर्मल बुखार भी हो सकता है। बहुत लोगों को डस्ट से एलर्जी है, जैसे धूप आती है, या बहुत सारे खाने से एलर्जी है, तो उससे भी वो छींक सकते हैं, या उससे भी वो एक बुखार हो सकता है नॉर्मल। सो जानते हुए कि बुखार नॉर्मल भी हो सकता है, उसके लिए भी थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि एकदम पैनिक हो जाता है, ऑलरेडी एक पैनिक माहौल है, तो थोड़ा टेंशन ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैनिक होने से जो आदमी खांस रहा है उसकी तो बहुत बुरी हालत होती है। सो यस, वी गेट स्ट्रेस्ड आउट, बट वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑल्सो। हाई गाइज, अबाउट कनिका कपूर, आई कैन नॉट कॉमेंट राइट नाउ, बिकॉज ये नहीं पता है एग्जैक्टली कि उसे पता था कि नहीं पता था कि वो इन्फेक्टेड है। मुझे बताया गया कि वो उसने एयरपोर्ट पे अपना टेस्ट नहीं कराया था, तो आई थिंक वो एक गलत बात है, किसी को भी हो सकता है, और इट डजेंट मैटर बॉलीवुड और नॉट बॉलीवुड, सबको चेक कराना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ डेंजरस, ये तो जानलेवा है ही, और मुझे इसमें इरिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है अगर उसने चेकअप नहीं कराया, और अगर बिल्कुल भी पता नहीं था तो मतलब कह सकते कि ठीक है, यू नो, बट दिस इज़ द फोर्थ टाइम आई थिंक शी हैज़ बिन, यू नो, हर टेस्ट हैज़ कम आउट पॉजिटिव, सो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी पॉजिटिव ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ, एंड वेरी केयरफुल एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, you know, you have to quarantine yourself. Okay, the next question is दौरान हर कोई सोशल मीडिया से चिपका हुआ है और सेलेब्स को फॉलो कर रहा है, आप किसे फॉलो करते हैं? वेल गाइज, आज के टाइम पे सब लोग सोशल मीडिया से चिपके हुए हैं, एंड आई नो कि सब लोग किसी ना किसी को फॉलो कर रहे हैं, पर मैं जनरल फॉलो कर रही हूँ, जानना चाहती हूँ कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लिटरली आई थिंक एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग और दी अदर। आई एम फॉलोइंग आम जनता न्यूज़, बहुत सारे लोगों ने जो अच्छा, मतलब जो अपोर्ट कर सकते हैं, और यू नो, बहुत सारे NGOs में दान दे सकते हैं या खुद का ट्रस्ट शुरू कर सकते हैं, आई थिंक वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड वी आर रियली रियली थैंकफुल। आई हैव बिन रियली फॉलोइंग द कॉप्स, जितने भी पुलिस वाले हैं, जो भी नर्सेज हैं, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं, उनको
फॉलो करती रही हूँ, क्योंकि वो लोग ही एक हैं जो बाहर जाके उनके पास कोई चारा नहीं है, तो उनको जितना भी थैंक यू किया जाए आई थिंक शब्द कम पड़ेंगे. एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप लोग इतना काम कर रहे हैं और आप लोग बाहर हैं ताकि हम लोग सेफ रहें. तो हम लोग की बस इतनी ड्यूटी है कि हम घर में रहें और आप लोगों को मैं फॉलो करती हूँ. तो बहुत बहुत शुक्रिया. The next question is, अगर मौका मिले तो किस सेलिब्रिटी के साथ लाइव चैट करना चाहती हैं? गाइस, लाइव किसी सेलिब्रिटी के साथ करके और अभी अपना पीआर और ये वो का टाइम नहीं है. आई थिंक वी हैव टू इफ आई हैव टू डू लाइव विद एनीबडी आई विल डू इट विद आम जनता. वो गरीब लोग जो जिनको पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना है, उनको जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि यू नो मतलब इंडिया में लॉकडाउन हो गया है, वो क्या खा रहे हैं और कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या कौन क्या कर सकता है, मैं कुछ कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, वहाँ तक कुछ पहुँच जाए, कैसे पहुँचे, क्या कर, ये उनके साथ लाइव करके जानना चाहती हूँ कि क्या हो सकता है. वो इम्पॉर्टेंट है आई थिंक. और बहुत सारे लोग जो खासकर यूपी बिहार से आते हैं और बहुत लेबर का काम करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में, वो तो पैदल ही चल पड़े हैं बिहार और यूपी की तरफ क्योंकि कोई साधन नहीं है घर जाने का, और जहाँ रह रहे हैं वहाँ खाने पीने और रहने का भी कोई साधन नहीं रह गया है क्योंकि दिहाड़ी में जनरली वो काम करते हैं. अब मुझे नहीं पता चल रहा है कि उनसे कैसे यू नो कौन कहाँ पे है कैसे, तो उनके लिए आई एम फीलिंग, मैं बोल रही थी मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रही हूँ ऑन अ इमोशनल ग्राउंड, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. आई एम कनेक्टिंग विद लॉट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड हेल्थ मिनिस्ट्री एंड लॉट ऑफ अदर पीपल. आई एम टॉकिंग टू देम कि वहाँ क्या हो रहा है. और द वर्स्ट पार्ट इज़ कि आप कहीं निकल नहीं सकते कुछ करने के लिए. तो आई थिंक आई एम लुकिंग एट हैविंग लाइव चैट्स विद देम टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन. गाइज इज हाई टाइम प्लीज़ कोरोना को सीरियसली लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इटली का. इटली दुनिया में मेडिकल साइंस में सेकेंड नंबर पे है, लेकिन 80% से ज़्यादा लोग वहाँ पे इन्फेक्टेड हैं. एंड ये कोई सपना नहीं है, बुरा सपना कि अचानक से टूटने वाला है और आप सब जागने वाले हैं, या ऐसा कोई यू नो प्लान नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है इसको ठीक करने का. ये छूने से ही हो जाता है. आजकल एयर बॉर्न भी है, एयर में 3 घंटे 8 घंटे मतलब यही मैंने सुना है कि होता है. सो गाइस प्लीज़ गेट सीरियस. आप देखिए अमेरिका में भी 1 लाख से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं और ऐसी कोई दवा नहीं है. तो पूरा ह्यूमन रेस एक ऐसे अजनबी बिन फेस फेसलेस एनिमी से लड़ाई कर रहा है जिसकी दवा ही नहीं है. प्लीज गेट सीरियस, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, इस दुनिया के लिए, समाज के लिए आप प्लीज सीरियस हो जाइए. घर पे ही रहिए. आपको नहीं पता है कि ये कहाँ किस एयर में है. सो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज घर में रहिए, हाथ धोइए हर 2 घंटे पे 3 घंटे पे, एंड प्लीज डोंट गो आउट. इट्स वेरी वेरी टफ. If you are infected, your whole society, your whole family, everybody would be infected, and you have no idea what you would do. Nobody has any idea. So please get serious and please be at home. हाँ गाइस, ऐसा बहुत कम होता है कि मैं घर में रहती हूँ हमेशा, और क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, तो स्पोर्ट्समैन भी हूँ, एक्टिंग, थिएटर, प्रोड्यूसिंग, लॉट ऑफ थिंग्स आई डू. मतलब तो एवरीबडी इज़ लाइक यू नो तुम्हारे पैर में तो चक्री लगी रहती है, तुम घर में कभी रहती ही नहीं हो. और आज के टाइम पे आई थिंक लिटरली मेरे घर वालों के लिए बहुत खुशी का वक्त है कि मैं घर पे हूँ और मेरा भाई भी घर पे है. तो अगर आप पॉजिटिवली लेना चाहें तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं. आपको घर में अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने का मौका मिल रहा है. मैं बहुत खुश हूँ इन अनदर वे वेयर आई एम स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज मेरा भी दिल होता था बहुत स्पेंड करने का साथ में टाइम, लेकिन कर नहीं पा रही थी. आई एम वेरी एक्साइटेड. माई फैमिली इज़
कुकिंग 3 times एंड आई एम वॉशिंग डिशेज एंड स्पेंडिंग टाइम विद देम. मैं पूजा भी करती हूँ मम्मी के साथ अभी बैठकर, और सीरीज देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, शाम का चाय पीते हैं साथ में. मतलब माई फैमिली इज रियली एक्साइटेड, बट एट द सेम टाइम कोई घर से बाहर नहीं जा सकता है और अलाउड ही नहीं है, हमारे घर में बिल्कुल निकलना नहीं है. जो करना है घर के अंदर करो, लेकिन फैमिली के साथ रहो, और मैं वही कर रही हूँ. लोग कहते हैं कि कुछ नया सीखो, ये वक्त ऐसा है, क्वारंटीन, 21 डेज लॉकडाउन. यस, एक्सरसाइज योर पर्सनालिटी, क्रेव टू एजुकेट योर सेल्फ. बहुत सारे अपने आपके जो, जैसे मैं एक्टर हूँ तो मेरे जो फेवरेट एक्टर्स हैं उनके फिल्म्स निकाल के, वो कैसे, वो एक्टर सेम है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट फिल्म्स में, कैसे वो अपना अपने ग्राफ पे काम करते हैं, कैसे वो अलग दिखने लगते हैं, मेरे नज़र में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. और आई एम वेरी एक्साइटेड कि मुझे ऐसा वक्त मिल रहा है कि मैं ये सीख पा रही हूँ. प्लस मैं गाना बहुत ख़राब गाती हूँ, और मुझे हमेशा सब कहते हैं, और मेरे घर में सब बहुत अच्छा गाते हैं, तो मैं आज के टाइम पर रियाज़ कर रही हूँ सुबह सुबह, ताकि मैं जब तक ये 21 दिन ख़त्म ना हो जाए तब तक मैं ये करती रहूँगी. बाद में अगर कोशिश करूँगी कि वो भी करती रहूँ. रीडिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो आई स्टार्ट रीडिंग समथिंग नाउडेज, वॉचिंग अ लॉट ऑफ मूवीज, न्यू थिंग्स कर रही हूँ. रीडिंग इज़ टोटली न्यू बिकॉज वी लॉस्ट इट लॉन्ग बैक, टाइम ही नहीं मिल रहा था. गाना एक नया चीज़ है. तो आप लोग अपने आप को वो चीज़ सोचिए जो आप कभी कर नहीं पाते हैं, वक्त नहीं मिलता है, या आप करना चाहते थे. जैसे मैं गाना हमेशा चाहती थी लेकिन मैं गा नहीं पा रही थी, वक्त नहीं मिल रहा था, और इतना ख़राब गाओ तो भाग सकते लोग, तो अब कोई नहीं भाग रहा, क्योंकि सबने मेरे रूम में है और मैं सीख रही हूँ. थैंक गॉड. और मिस कर रहे हैं काय को, मैं यही हूँ. हाय गाइस, माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज प्लीज बी एट होम, कीप वॉशिंग योर हैंड, घर पे रहिए, फैमिली के साथ रहिए, अपने आप को कुछ नया सिखाइए, और अपनी पर्सनालिटी को एक्सरसाइज कीजिए, बर्तन धोइए, खाना बनाइए, बहुत सारी चीज़ें करिए, और प्लीज़ मुझे मिस करते रहिए. मैंने सुना आप लोग मुझे मिस कर रहे हैं, आई लव इट व्हेन पीपल मिस मी, सो आई मिस यू गाइस टू. प्लीज़ सोशल मीडिया में मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिए, मैं जनरली सबका आंसर देती हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि लाइव जाऊँ एवरी सेकेंड डे, अगर एवरी डे नहीं हो सकता है तो. सो आई मिस यू ऑल, एंड दिस इज़ अ ग्रेट टाइम दैट वी कैन कनेक्ट रियली रियली वेल विथ ईच अदर. सो कोरोना टाइम वी हैव टू फाइट टुगेदर, डोंट गो आउट ऑफ द हाउस टिल एटलीस्ट फॉर दीज 21 days. बिल्कुल बाहर ना जाएं, घर के अंदर रहें, और अपने हेल्थ का ध्यान रखें, खाना बनाएं जो बहुत अच्छा, योगा करें, ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ.